हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। टीवी का शो ये है चाहते में इन दिनों काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। दरअसल शो में दिखाया गया है कि सारांश की मां महिमा वापस आ गई हैं, जो प्रिशा और रुद्राक्ष से अपने बेटे को वापस देने को कहती हैं। लेकिन रुद्राक्ष सारांश का लीगल फादर है, जो ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके चलते शो में अक्सर रुद्राक्ष की प्रिशा से लड़ाई होते हुए देखी जा चुकी है। बीते शो में दिखाया गया कि महिमा की वजह से रुद्राक्ष और प्रिशा की जिंदगी में काफी दिक्कतें आने लगी हैं, और यही दिक्कत आगे आने वाले शो में कुछ दिलचस्प ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आने वाली है। दरअसल आने वाले एपिसोड्स में महिमा सारांश को बोलती है कि वो उसका बेटा है, जिस पर सारांश को गुस्सा आता है और वो महिमा को उसकी नकली माँ बताकर वहां से चला जाता है। इस बात का गहरा असर महिमा के दिमाग पर पड़ता है और वो अपने हाथ की नस काट लेती है और एक बार फिर से सुसाइड करने की कोशिश करती है। बस यही वो वजह है जो प्रिशा और रुद्राक्ष की जिंदगी में तूफान लाने वाली है। दरअसल शो में हमेशा से ही प्रिशा का अपनी बहन महिमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है, जो उसे बिल्कुल दर्द में नहीं देख पाती। अब महिमा को इस हालत में देखकर प्रिशा सारांश और रुद्राक्ष को छोड़ने का मन बना लेगी और घर छोड़कर चली जाएगी। प्रिशा ये कदम इसलिए उठाएगी क्योंकि रुद्राक्ष सारांश का लीगल फादर है और वो महिमा को सारांश को सौंपने से इनकार कर देता है, जबकि सारांश महिमा का बेटा है और अभी तक उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद प्रिशा को घर छोड़ना ही सबसे बेटर ऑप्शन लगता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रुद्राक्ष प्रिशा को घर छोड़कर जाने देगा या फिर वो महिमा को सारांश को सौंपकर प्रिशा को रोक लेगा।